अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका, उनके साथियों का, जो उन्होंने आज इतनी गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, हम लोगों को मिलने का समय दिया। अभी उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई। बातचीत का विषय आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करके, दिल्ली के लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के एक सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सरकार उनके सपनों को, उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। और यही हमारा संविधान कहता है, यही भारतीय जनतंत्र है। लेकिन 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, तो फरवरी में हमारी सरकार बनी और मई के महीने में, मात्र तीन महीने बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है एक चुनी हुई सरकार का, अफसरशाही के ऊपर, ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते, 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की, 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं, तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं अब अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और मेरे साथ लोकसभा में 2019 से मेरे साथी रहे अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के विधायकगण, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भाई संजय सिंह जी, और
एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के आतिशी जी और आप सब पत्रकार और मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं, उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं। और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं, पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है, वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं, यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। चलो ये तो एलजी कर रखा है कि फुल स्टेट नहीं है, एलजी वहां पे सरकार रहेगी, फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, और हमने इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा, उन्होंने कहा जी मैं बजट सेशन बुलाने के लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा, पहले आप मेरा ये काम करिए, ये काम करिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजट सेशन बुलाने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाषण मुझे लिख के दिया है जो विधानसभा में पढ़ना होता है, कहता उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो जी हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। मतलब अगर राज्यपाल ये कह रहा है किसी स्टेट का कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है तो किसकी गवर्नमेंट है अगर पंजाब में। ये राज्यभवन जो है ये बीजेपी के हेडक्वार्टर बन चुके, और जो राज्यपाल हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स के वो स्टार कंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। तो ऐसा पहले अखिलेश जी उनकी सरकारें भी झेल चुकी हैं, ऐसा किसी भी प्रदेश के लिए अध्यादेश आ सकता है कि जी बस आप खत्म हम शुरू। तो ये लोकतंत्र कहां गया। अभी अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के एक बुला रहे थे वो कह रहे थे भारत में लोकतंत्र जीवित है, वो व्हाइट हाउस से कह रहे थे, यहां बुलाने की जरूरत है उनको। जिस दिन ट्रंप जी आए थे उनकी पत्नी ने कहा मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, सरकारी स्कूल, तब स्कूल कौन से दिखाए गए, केजरीवाल वाले, एमसीडी वाले नहीं दिखाए गए क्योंकि उनको पता था क्या हालचाल। तो ऐसे मतलब आप सबको साथ लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास, जो जहां चुना गया है उसकी साथ दो। सेंट्रल सरकार के पास शक्तियां हैं, वो राज्यों के अधिकार क्यों छीन रहे हैं। हमारा आरडीएफ का पैसा नहीं दिया अभी तक, हमारा जीएसटी रोक रखा है अभी तक, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक लेते हैं, हम ये पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये सरकारें चलती हैं ऐसे क्या। तो ये बहुत ही फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। और समाजवादी पार्टी आंदोलन से, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता इसमें हैं, और उन्होंने तो बहुत संकट देखे हैं देश पर। तो आज जिस गर्मजोशी से और जिस जो शिद्दत से हमें सम्मान दिया अखिलेश जी ने, हमें इज्जत दी, उसके लिए आप बहुत आभारी हैं। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ने के लिए हम इनका साथ लेने के लिए आए हैं
उस लड़ाई में हमारा साथ देंगे और इस लड़ाई से कोई भगवंत मान, कोई केजरीवाल या कोई अखिलेश जीतेगा नहीं, इस लड़ाई में जीतेगा तो देश की 140 करोड़ जनता जीतेगी। जी अखिलेश भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस के जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा, हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका।